आज हम इसमें श्यानता की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो देखिए एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं तरल। इस तरल में इसको हम बोल देते हैं फ्लूड। इंग्लिश में ये आ जाता है फ्लूड, चला जाता है फ्लूड। इसका मतलब होता है द्रव एवं गैस, ये दोनों का कंबाइंड वर्ड मेरे पास क्या कहलाता है? तरल कहलाता है। ठीक है, तो श्यानता मेरे पास क्या दिखाती है ये देखिए। श्यानता द्रव की दो परतों के मध्य एक श्यान बल लगता है जो गति या द्रव के प्रवाह का विरोध करता है। यह बल श्यान बल कहलाता है एवं द्रव या तरल का यह गुण श्यानता कहलाती है। देखिए हम क्या करते हैं, द्रवों को विभिन्न परतों का यहाँ पर मिलकर मान लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं द्रव का प्रभाव कैसा हो जाता है, या बहने का प्रवाह दर गति कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक परत दूसरी परत के बहने का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है? श्यानता गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो द्रव का यह गुण क्या कहलाने लगता है? श्यानता कहलाता है। और इसी को हम लेकर यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्यानता गुणांक बोलते हैं, श्यानता गुणांक। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर द्रव की मैंने यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स ले ली, ये देखिए। अब जब द्रव की यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स ले ली हैं, तो कोई भी दो लेयर की मैं बात कर लेता हूँ, एक ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया। ठीक है, इसकी यहाँ से हो तो दूरी x प्लस dx, और इसकी अर्थ या नीचे से दूरी कितने के बराबर है? x के मान के बराबर। इस द्रव की परत का वेग अगर मैं लेके चलूँ तो v प्लस dv, थोड़ा सा इससे और इसका कितना मान लेता हूँ, dv हो गया 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, परत 3 एवं 4 के मध्य लगने वाला श्यान क्या
की लगने वाला श्यान बल F, श्यान बल F, F समानुपाती A, F समानुपाती dV अपान dx। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वेग का दूरी के अनुसार वेग में परिवर्तन होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, वेग प्रवणता बोल देते हैं, ठीक। और ये F क्या कहलाता है हमारे पास, दोनों संपर्क पृष्ठों का क्षेत्रफल, ठीक। आप इसको देखिए, एफ समानुपाती ए डी वी अपॉन डी एक्स, समानुपाती के चिन्ह को बराबर में रखिए तो हम एक गुणांक ले लेते हैं जिसको हम ईटा से शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर ये जो ईटा होता है, ईटा को हम क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं, ये हो जाता है श्यानता गुणांक। और निगेटिव साइन बताता है कि लगने वाला ही लगने वाला बल F अपेक्षिक गति का विरोध करता, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो F होता है F इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर माइनस साइन ये बताता है कि श्यान बल दोनों परतों के बीच लगने वाले अपेक्षित गति का विरोध करता है, इतना यहाँ पर बल लगने लगता है, ठीक है। अब जब द्रव बहता है तो द्रव की ऊर्जाएं होती है, ठीक है। बहते द्रव की ऊर्जाएं, नंबर वन कहलाता है मेरे पास गतिज ऊर्जा, ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरा स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा हो जाता है दाब ऊर्जा। ये तीन टाइप की ऊर्जा यहां पर रहती है, इन तीन ऊर्जाओं को इकट्ठा करके बर्नौली ने, एक साइंटिस्ट था, उसने एक नियम दिया, उस नियम के अनुसार ये चलता है, बर्नौली का प्रमेय, इसके अकॉर्डिंग ये रहता है, यदि कोई आश्यान और आ संपीड्य द्रव किसी असमान नली या पाइप में धारा रेखी
तो 22 के प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जाओं का योग इसके प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए अचर होता है। तो मान लो कोई द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट की नली में धारा रेखीय प्रवाह से बहता है। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल A1, A2, वेग यहाँ पर V1, V2, यहाँ पर हाइट H1, H2 और ये द्रव यहाँ पर बह रहा है। यहाँ पर दाब P1, यहाँ पर दाब P2 है। तो इसके हर पृष्ठ पर कुल ऊर्जाओं का योग इसके एकांक द्रव्यमान या एकांक आयतन के लिए अचर होता है, यानी P ½ dV² + dgh = constant आता है। ये इसका मतलब हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? बर्नौली का प्रमेय कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या हो गया। कोई भी द्रव होता है अपना मिनिमम से मिनिमम क्षेत्रफल रखना चाहता है। इस मिनिमम से मिनिमम क्षेत्रफल रखने की कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? पृष्ठ तनाव बोल देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ये ऐसा डिफाइन होता है, किसी द्रव का स्वतंत्र तल या पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखना चाहता है। अतः है वह खिंचा सा रहता है और इसके पृष्ठ पर लगने वाला तनाव पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो कोई भी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को कम से कम रखना चाहता है। ठीक है, इसका यह गुण सिलेबस खत्म कराओ, सिलेबस खत्म कराओ। हाँ सर, लगे तुम्हारा साइंस था क्या? हाँ साइंस।